नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी कि एस्मा एक्ट लागू किया गया है, जिसके तहत हड़ताल या प्रदर्शन इन सब पर रोक है और अगर किए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी या उन महकमे से जुड़े लोग जो कि कहीं ना कहीं सरकार के साथ हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के मुखर हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों आखिर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि इस स्तर तक ये बात आ गई कि एस्मा लगाने के बावजूद भी प्रदर्शन जारी है, यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा रहेगा। एस्मा लागू, प्रदर्शन जारी। एक आम आदमी या एक आम सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मुखर तभी होता है जब तकलीफें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं, और वो भी तब जब सरकार ने एस्मा एक्ट लगाया हो, साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 भी लगाई गई हो। वजह बताई जा रही हो कि कोरोना के संकट काल में ये सब जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ तकलीफें, समस्याएं, परेशानियां भी इतनी ज्यादा हैं कि अपनी मांगों को लेकर के मुखर होना भी जरूरी है। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगले 6 महीनों के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया गया है। आपको बता दें, इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीनों तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे, और अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा। एक तरफ यूपी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है, हड़ताल करने पर पूरी तरह से रोक है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी महकमों में काम करने वाले कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात बिजली की। बिजली कर्मचारी और अधिकारी निजीकरण नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में ऊर्जा निगम से जुड़े अभियंता भी शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 108, 102 एम्बुलेंस सेवा एवं 181 महिला सुरक्षा सेवाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी शासन से अपने भुगतान की गुहार लगा रहे हैं। धारा 144 को देखते हुए कर्मचारी 3-3 का गुट बनाकर हर चौराहे पर बैनर लेकर मांग करेंगे। आइए बिना देर किए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सपा की तरफ से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं 108 102 के। बहुत बहुत स्वागत अभिषेक जी आपका। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शफी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर। शफी जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विजय खेरा जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस कार्यक्रम की शुरुआत। मोहम्मद शफी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, आप उस जगह पर खड़े हैं जहां पर बिजली को लेकर के प्रदर्शन जारी था, निजीकरण के मुद्दे को लेकर के। इस वक्त वहां के कैसे हालात हैं, किस तरह का प्रदर्शन है? शक्ति भवन में मौजूद हूँ मैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, और जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और निजीकरण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो पुरानी पेंशन बहाली थी उसको भी लेकर लगातार जो अपनी बातें सामने रख रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुका है, इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। अगर बात करें हम सरकार द्वारा 144 धारा लगा दी गई है, उसको देखते हुए मना किया गया था किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी निजीकरण को लेकर जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपकी इस बातचीत को लेकर के ही मैं डॉक्टर विजय खेरा जी आपके पास आऊंगी। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विजय खेरा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
चलिए एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर विजय के साथ। फिलहाल अभिषेक जी आपके पास हम आएंगे। एस्मा लागू होने के बाद जो अलग अलग सरकारी महकमे प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनकी बात हम कर रहे थे। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सफी, उनकी बातचीत आपने सुनी जो बिजली विभाग को लेकर के है। 108, 102 एम्बुलेंस सेवा, इसको लेकर के भी पिछले 3-4 महीनों में हम चर्चाएं कर चुके हैं कि किस तरह से वेतन भुगतान को लेकर के समस्या आई थी और भी कई तरीके की समस्याएं आई थी। इस वक्त क्या सबसे बड़ी परेशानी है आपके सामने? जी सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल पर आए हुए सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि एम्बुलेंस सेवा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज आम जनमानस के लिए एक वरदान साबित हुई है और सरकार के साथ और पूरे आम जनमानस के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया है, पूरे प्रशासन का सहयोग दिया है। इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां लोग अपने घर में बैठे रहते थे, हमने सरकार के दिशा निर्देश पे, प्रशासन के दिशा निर्देश पे घर से अस्पताल और अस्पताल से घर ले जाने का काम किया है। हम डरे नहीं, सहमे नहीं। उसके बाद भी दीपावली और होली जैसे पर्व पर हमारा सैलरी को काटा गया, उसके बाद भी हमें बोनस से वंचित किया गया। आज मैं आपको बता दूं कि आज कर्मचारी क्यों हड़ताल पे जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको मांगों को विपरीत दिशा में धकेलने का काम किया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा ना करने का काम किया जाता है, तो कर्मचारी मजबूरन हड़ताल पे जाता है। कर्मचारी का हड़ताल जो है कर्मचारी का अधिकार है, उस अधिकार से उसे मैं तो कहूंगा वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने मांगों को क्या रख नहीं सकते हैं? क्या हम सरकार से अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? क्या सरकार से हम अपने वेतन को भुगतान के लिए नहीं बोल सकते? आखिर अगर हमारे ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी तो हम कहां जाएंगे? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने कुछ दिन पहले गुहार लगाई थी, न्यूनतम वेतन मान 2012 से लेके आज तक का हमको न्यूनतम वेतन मान हमको नहीं दिया जा रहा है। हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, श्रम मंत्री जी को, श्रम विभाग में भी हमारा डेट लगा हुआ, लेकिन आज भी हमको कहीं ना कहीं एकदम ये हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। हमको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगे लगा दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कमियां बताई जाती हैं कि जो कि हमको विपरीत किया जा रहा है। बिल्कुल, एक आम आदमी अपनी तनख्वाह के लिए, उस कमाई के लिए ही जो महीने भर में आएगी उसके लिए काम करता है और उससे वंचित किया जाए तो समस्याएं जरूर बढ़ेंगी। डॉक्टर विजय खेरा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? डॉक्टर विजय खेरा जी आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विजय खेरा जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। उन तक अब फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी आपके पास हम आएंगे। आपने जो हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शफी हैं उनका भी पक्ष सुना कि किस तरह से बिजली कर्मचारी इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं, और अभिषेक जी का भी जो पक्ष है वो सुना। एस्मा लागू है, 144 भी लागू है, कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में भी लोगों के मन में डर शायद इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा स्तर तक बढ़ चुकी हैं। मैं आपको एक घटनाक्रम याद दिलाऊंगा, फिर अपनी बातें रखूंगा। जब उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव हो रहा था, तो किसी भी राजनीतिक दल ने कोई बड़ी रैली नहीं की और कोई बड़ी मीटिंग नहीं की, सिर्फ जन जन तक जाने का काम किया। एक दो लोग एक साथ गाड़ियों से निकलते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के महान मुख्यमंत्री, मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लगातार एक एक विधानसभा में 3-3, 4-4 रैलियां करी और बड़ी रैलियां करी। उस वक्त कोरोना कहाँ था? उस वक्त एस्मा की बात क्यों नहीं की गई? उस वक्त 144 की बात क्यों नहीं की गई? उस वक्त किसानों के हक की बात के लिए अगर किसान लड़ने के लिए सड़क पे आना चाह रहा था तब उसको क्यों नहीं? देखिए, ये सरकार का विरोध सिर्फ इसीलिए है कि सरकार सब कुछ तानाशाही तरीके से करना चाहती है, अपने मन माफिक करना चाहती है। मैं 108 और 102 के लिए कहूंगा, जो व्यवस्था 108 की और 102 की पूर्व की सरकार में थी वो व्यवस्था आज के रूप में पूरी तरीके से ध्वस्त है। कारण चाहे श्रमिकों का वेतन की बात हो, चाहे उनको उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात हो कि कैसे उसका रिस्पॉन्ड हो, कैसे उसको जनता के बीच में उसके लिए रखा जाए, कहाँ पे मैंने एक घटना पढ़ रहा था कि बीजेपी के कई नेता एक घटना पे एम्बुलेंस को फोन करते रहे और 2 घंटे तक एम्बुलेंस 1.5 घंटे तक नहीं आई और वो पीड़ित व्यक्ति वहीं पे जो एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे एक्सपायर कर गया 1-1.5 घंटे बाद। मेरा ये कहना है कि सरकार इसमें किसी कर्मचारी का दोष नहीं, गाड़ी वैन का दोष नहीं, सरकार इन सारी योजनाओं को धीरे धीरे
मिनिमाइज करके इनको खत्म करना चाहती है। और जो निजीकरण है, निजीकरण मतलब फायदे का सौदे वाला, सरकार जनता के लिए कुछ मुफ्त में नहीं करना चाहती, ये इसी की परिणति आज यहां तक आ गई कि अब सरकार न किसानों को, न कर्मचारियों को, न जो डॉक पे कर्मचारी है उनको किसी को हड़ताल नहीं करने देगी, उनको अपनी मांगे नहीं रखने देगी। जो मेरे ख्याल से असरवा जी संवैधानिक ढांचे में ये बेहतर चलन नहीं है, बेहतर परंपरा नहीं है, इस देश को गुलामी की तरफ लिए जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ इस मुद्दे पर विजय खेरा जी जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी, अपनी इस चर्चा की शुरुआत में ही मैं सबसे पहले आपसे ही बातचीत करना चाहती थी, आपके सामने ही प्रश्न रखना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, आप सबका इस वक्त जो पक्ष है वो सुन चुके होंगे, हमारे रिपोर्टर जो खड़े हैं जहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो अपने पक्ष को रख चुके हैं। इस वक्त जब सरकार एस्मा लागू कर चुकी है, राजधानी में 144 लागू कर चुकी है, उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदर्शन की, क्या लगता है सरकार ने इन सब को रोकने के पर्पस से ये सब एस्मा एक्ट और 144 लागू की थी, या फिर इन लोगों की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि इन सब के बावजूद भी वो अपनी मांगे मुखर होकर के सामने रख रहे हैं जी? लेकिन ये इसलिए इस समय इसका लाभ ले सकते हैं क्योंकि योगी की सरकार जहां विकास कठोर है अपराधियों के साथ, वहीं भारी संवेदनशील भी है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सरकार बहुत संवेदनशील है, इसलिए इस्मा लगाया गया बताने के लिए कि इस्मा बहुत शक्तिशाली कानून है, हो सकता है इनको इतना शायद ना भी पता हो, बिना वारंट के भी घर से उठा के इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि मैं इस कानून से गुजर चुका हूं। ये डॉक्टर लीडर, हमने पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरों की हड़ताल की थी, अस्पताल बंद किए थे, इसलिए बता रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी किसी ने उठाया नहीं, भले उस जमाने में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और ये 8-9 दिन तक एम्स से लेके इंडिया का हर अस्पताल बंद था, रेलवे हॉस्पिटल सब भी, 8 दिन बाद हम लोगों ने खुद ही कॉल ऑफ की थी स्ट्राइक, पर उस समय भी सरकार ने हमको ऐसे उठा के घरों से नहीं बंद किया था। ठीक है डॉक्टर विजय खेरा जी, आज की बात ये है कि आखिर क्या वजह है, समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, बिजली के निजीकरण को लेकर के जो समस्या है सुलझ नहीं पा रही है, सरकार इतनी ज्यादा कोशिशें करती है, पिछले 2 महीने पे इस पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, 108 102 एम्बुलेंस सेवा, 181 महिला हेल्पलाइन सेवा, इन सबसे जुड़ी जो परेशानियां थी पिछले 2 साल से लगातार चल रही है, चाहे कोरोना काल हो उस दौरान भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हुए, भूख हड़ताल पे बैठे ये लोग, लेकिन क्यों ये समस्याएं नहीं सुलझ पाई, और अब जब नहीं सुलझ पाई तो ऐसा उस वक्त लगाना जब चुनाव रैलियां समाप्त हो गई, दीपावली बड़े बड़े त्योहार निकल गए, मास गैदरिंग का अब ऐसा कोई पर्पस जो है वो बचा नहीं है, तो आखिर ऐसा इस वक्त लगाने की क्या जरूरत? ऐसा जो है ये एक्ट जब कोविड के बाद ये जुलूस वगैरह हड़ताल की धमकी या ये सब आ रही थी उस समय इसमें लगा था, इसमें तो एसेंशियल इसलिए हो गया कि एसेंशियल सर्विसेज को आप रोक नहीं सकते, एक तो आमतौर से ही नहीं रोक सकते, और ऊपर से इन हालातों में जब हम पूरा का पूरा देश ऐसी महामारी के बीच से गुजर रहा हो, कोविड जैसी बीमारियों को हम फेस कर रहे हैं, उस समय इनका हड़ताल करना बिल्कुल नाजायज असंभव, लेकिन हड़ताल में सर जो मास गैदरिंग्स की बात होती है, किसी भी चुनावी रैली में इन मास गैदरिंग्स की कम से कम 10 गुना से ज्यादा मास गैदरिंग्स हुई थी उस समय सरकारी अधिकारी, चुनाव आयोग, प्रदेश सरकार और चुने हुए नुमाइंदे और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग, वो सब इस बात का ख्याल रख रहे थे। बिहार में इतना बड़ा चुनाव हो गया है, ईश्वर की दया से शांति से हो गया, कोविड का कोई एकदम से कुछ भी नहीं फैला, तो वो बात अलग है, इनका जुड़ना अलग बात है। दूसरी बात यह है, ये सरकार को जो कठिनाई पैदा कर रहे हैं इस समय, सरकार इस समय दूसरी लड़ाई में उलझी हुई है। अब अभी जो ये बात उठा रहे थे निजीकरण की, आपने भी बात की, तो ये सुन लें, ध्यान से सुन लें, हमने जो जनता को वादा किया है उसको हम पूरा करेंगे, हम ये भ्रष्ट अड्डे जितने भी हैं जहां जा भी हैं उनको बंद करने का पूरा प्रयास करेंगे। पब्लिक अंडरटेकिंग में ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के भाई भतीजे नौकरी में लगते हैं, प्रमोशन पाते हैं,
कोई नियम कानून चलता नहीं है, चाहे रोडवेज हो चाहे बीएचईएल हो कहीं भी हो। तो इन संस्थाओं को जहां जहां होटल कॉर्पोरेशन है घाटे में चल रहा है, एयर इंडिया हरबो के घाटे में चल रहा है, लूट खा गए लोग बाग, निजीकरण हमारा घोषणा पत्र है, निजीकरण हमारी पॉलिसी है। सरकार का बिजनेस चलाना काम नहीं है, सरकार का काम है बिजनेस को जो चला रहे हैं उनको ठीक से सुविधा देना, देश का विकास करना। तो अगर ये इस गलत फहमी में है कि निजीकरण नहीं होगा तो उसमें इनको साथ देना चाहिए, ये सरकार की पॉलिसी है। निजीकरण सरकार करेगी, कितना करेगी, कब करेगी, दिल्ली की बिजली का निजीकरण कर दिया कांग्रेस सरकार ने, बॉम्बे की बिजली निजीकरण में है, जो बिजली रोजाना एक मिनट मैडम एक मनोज जी आपकी राय देखिए आएंगे दोबारा आपके पास। आप तो पूरी तरीके से भाजपा की सरकार टीवी डिबेट्स में भी हिटलर शाही पे उतर आई है जी। जिस तरीके से जनता क्या मांग कर रही है, जनता कह रही है कि हमारी तमाम सारी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, सरकारी नौकरियों को मजबूत किया जाए, और भाजपा चैलेंज कर रही है कि हम तो निजीकरण करेंगे। अब देख लीजिए, ये तो जनता को तय करना है, कर्मचारियों को तय करना है। ठीक है, तो एस्मा एक्ट लागू किया सरकार ने और अब निजीकरण का भी, लेकिन निजीकरण डॉक्टर विजय खेड़ा बता दूं आपको, निजीकरण के बिजली में जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो माफ कीजिएगा सफल नहीं रहे हैं। चर्चा करेंगे, अपने मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अभिषेक जी आपका पक्ष जानेंगे और मोहम्मद शफी आपसे भी अपडेट लेंगे कि वहां पर क्या हाल चाल है हड़ताल का। छोटा सा ब्रेक दर्शकों। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खबरों का सारथी। दर्शकों ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। एस पर लागू लेकिन फिर भी प्रदर्शन जारी। हमारे साथ इतनी इस खास चर्चा में मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अभिषेक जी आपके पास आने वाले थे हम, सरकार चीजों का निजीकरण करे, वो इस पर्पज से करे कि निजीकरण से कुछ फायदा हो, जो महकमे घाटे में जा रहे हैं उनको थोड़ा सा आराम मिले। लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस सेवा, उसको लेकर के हम पिछली जितनी भी बार चर्चा कर चुके हैं, प्राइवेट हाथों में है वो एजेंसी के थ्रू, उसके बाद भी 6-6, 8-8 महीने लोगों के जो वेतन है वो रोके जाते हैं। इतनी बड़ी समस्याएं अब हैं तो तब कितनी समस्याएं बढ़ेंगी जी। अब मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, मैं आपको बता दूं कि
एक एसेंशियल सर्विस एक आपातकालीन सेवा एम्बुलेंस सेवा को अगर आप धक्के पे चलाने का काम करिए, माफ करिएगा, ठेके पर था यानी धक्के पे चलाने का काम करिए, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जनता की जान को आपने जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। और आज आप बताइए, प्रदेश की जनता के ही हम जनता हैं, प्रदेश के हम भी इस समय वोटर हैं, हम भी गर्व से कहते हैं कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। मैं काम करता हूं आज अस्पताल पे, मैं कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में आज जमीन से जुड़ के काम किया, मैंने छुट्टियां अपनी रद्द करवा दी, मैं देश के साथ प्रशासन और सरकार के साथ रहा, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम कर्मचारियों का अगर गला घोटा जाए, हम कर्मचारियों को ठेके प्रथा पे रखा जाए, हम कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान से वंचित किया जाए, कितने हमारे कर्मचारी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में शहीद हो गए, उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न है मैडम। ये बहुत बड़ा। और इसी के साथ मोहम्मद शफी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। इस वक्त वहाँ जो हड़ताल है उसका क्या हाल है, किस तरह से जो लोग हैं वो बाहर आए हैं और क्या क्या मुख्य मांगे हैं? निजीकरण के विरोध में ही ये सारा प्रदर्शन है। कर्मचारी थे विरोध करने पर, वो अभी यहाँ डटे हुए हैं पूरी तरीके से, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो निजीकरण है वो किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर निजीकरण की बात करें तो अभी कल ही निजीकरण की ट्रेन की तेजस को बंद कर दी गई है। इन लोगों का साफ कहना है कि निजीकरण की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं रहती है, अगर घाटा आता है तो कहीं ना कहीं उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर सरकारी विभाग है तो पूर्ण रूप से वो स्वचालित रहता है, वो चाहे घाटे में हो चाहे फायदे में हो। और अगर हम यहाँ पर प्रदर्शन की तो लगातार ये लोग बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं कि जो इनकी निजीकरण है उसको किसी तरह मंजूर नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब निजीकरण की बात हुई थी तो रात में कहीं ना कहीं कई शहरों की बिजली जो है वो प्रभावित हुई थी, कहीं ना कहीं पूरे जितने भी कर्मचारी थे वो रोड पर आ गए थे। और इनका साफ तौर पर, जो इनके पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर निजीकरण की बात आती है तो देशव्यापी प्रदेशव्यापी पूर्ण रूप से पूरी तरीके से प्रदर्शन होगा, पूरी तरीके से ये लोग रोड पर उतरेंगे और इसका जो विरोध पुरजोर विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं से ये मंजूर नहीं करेंगे निजीकरण की जाए। और जो अब बात करें एसपा की धारा 144 की, तो उसको देखते हुए जो कल पूर्ण रूप से लगाई गई है प्रदेश में, देश में, वो बताई जा रही है साफ तौर पे कि उसको लेकर भी यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे केजीएमसी की बात करें, वहाँ भी 3 दिन से डॉक्टर जो है वो प्रदर्शन पर लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, जो उनकी तनख्वाह है, जो उनकी पैसे जो उनको मिलते हैं उसको भी लेकर वो लोग रोड पर बैठे हुए, भूख हड़ताल करके बैठे हुए। या एस्मा की बात करें, 144 की बात करें, इसका इन लोगों पर कोई असर नहीं दिख रहा है, वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं। तो एस्मा का असर नहीं दिख रहा है। मोहम्मद शफी, धन्यवाद ये बताने के लिए हमको वहां से पूरी जानकारी। डॉक्टर विजय खेड़ा हमारे संवाददाता खुद वहां पे खड़े हुए हैं जहां पे बिजली विभाग वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी कर्मचारी ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके की समस्या पैदा हो। बिजली मूलभूत जरूरत है हमारी, उसे लेकर के जनता को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन उनके मन में भी जो डर है निजीकरण को लेकर के, ठीक से महकमा ना चलने को लेकर के, वो भी तो दूर होना चाहिए। कि जो लोग हैं शहर के या डॉक्टर विजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? डॉक्टर विजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? वो आज 7-8 रुपए देने पड़ते हैं पर यूनिट, कहीं ना कहीं 10-12 यूनिट देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है पिछली सरकारों से हमारे पास ये चीज रिवायत के तौर पे चली आई है, इतने ज्यादा महकमे भ्रष्ट हैं, खराब हैं, उनको सुधारने में टाइम लगेगा, इस वजह से इतनी ज्यादा समस्याएं खड़ी होती है, लेकिन जनता ये जरूर पूछती है कि सरकारें बदल जाती हैं, चीजें जस की तस रहती हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, हमारे साथ डिबेट में अभिषेक मिश्रा जी बैठे हुए हैं, आप इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि पूर्व की सरकार में 108-102 की क्या व्यवस्था थी, किस अवस्था में चल रही थी और आज कैसे चल रही। मैं इस पर बहुत टिप्पणी करूंगा तो बहुत सारी बातें विजय खेड़ा जी को मुंह तोड़ जवाब मेरे ख्याल से अभिषेक जी दे देंगे। आप अभिषेक जी से पूछ सकती हैं इस बात को, 108-102 की समस्या को लेकर। जी अभिषेक जी जवाब दीजिए। जी मैंने आपको, मैं बता दूं, माननीय डॉक्टर विजय खेड़ा जी जुड़े हुए हैं आपसे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गुजारिश भी करना चाहूंगा छोटा सा प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की तरफ से, क्योंकि मैं एक आज प्रदेश के कर्मचारियों की आवाज बन के बैठा हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, श्रम मंत्री जी को, माननीय कितने सांसद विधायक मंत्री परिषद केंद्रीय मंत्री जी को, मैंने कितने लोगों को बार बार हमने गुहार लगाई है, लेकिन आज भी हमारा न्यूनतम वेतनमान का निस्तारण नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कमी है, जीवीके एमआरआई जैसी भ्रष्टाचार कंपनी आज चोरी कर रही है,
डाका डालनी है कर्मचारियों के पैसों को, लेकिन थोड़ी सी भी जांच नहीं हुई। प्रवर्तन निदेशालय को हमने लेटर लिखा, आज भी जांच नहीं बैठी है। ठीक है, लेकिन जनता की नजर से पूछे जो मनोज जी का कहना था, पिछली सरकारों के हाल, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े, महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े, ये हर सरकार में समान रहे हैं या बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं? मनोज जी देखिए, मैं इसी बात को बार बार कहना चाहता हूं कि सरकार क्यों इतना ज्यादा सेंसियर नहीं होना चाहती है, और सरकार बिजनेस के लिए नहीं होती है, सरकार जनता के लाभ के लिए होती है, जनता को तमाम सुविधाएं देने के लिए होती है, लेकिन ये सरकार सिर्फ सिर्फ व्यापारियों के लाभ के लिए काम कर रही है। विजय खेड़ा जी हमेशा के लिए नहीं चुने गए, 5 साल के लिए चुने गए, बात को आपकी जवाबदेही तय होगी। और जो भ्रष्टाचार अपने साथियों के लिए कर रहे हैं निजीकरण का, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, इसके लिए जेल जाना पड़ेगा, तैयारी रखिएगा। फिर वो विजय खेड़ा हो, योगी आदित्यनाथ हो, और चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, निजीकरण पे जितना लाभ अपने पूंजीपति साथियों को दे रहे, जनता का खून चूस के उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहम्मद शफी आपका भी धन्यवाद, अभिषेक जी आपका धन्यवाद, मनोज जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे लेकर के आते हैं जो आपको असर करते हैं, जो आपसे जुड़े होते हैं। बिजली एक मूलभूत हमारा सुविधा, और साथ ही साथ 108-102 एम्बुलेंस जो कि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तभी उन्हें इमरजेंसी सुविधाएं कहते हैं। लेकिन आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझको, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।